नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत खास लेकर आया हूँ। ज़्यादातर कुंडली देखते समय मेरे से जातक इस विषय पर पूछ बैठते हैं। आज वर्तमान युग में यह समस्या ज़्यादा उठ रही है। वर्तमान युग में पति और पत्नी के बीच संबंध ठीक हो, गृहस्थ जीवन ठीक प्रकार से चल रहा हो, तो इसे ईश्वर की असीम कृपा समझिए। इसका कारण शायद कुछ नासमझी, थोड़ा गर्म मिजाज, पति व पत्नी दोनों का नौकरी पेशा होना या कभी कभी रिश्तों में परिवार की दखलंदाजी पति पत्नी के रिश्तों को खराब कर रही है। इसका एक कारण मांगलिक दोष या सप्तम भाव पर किसी गलत ग्रह की दृष्टि भी है और ज्योतिषीय विश्लेषण का कहना यह है कि यदि सप्तमेश छठवें, आठवें या बारहवें भाव में बैठ जाए तो भी रिश्तों में तकरार मानसिक तनाव बनाती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मतभेद या मनभेद की स्थिति प्रबलता पकड़ बैठती है। ऐसे में वियोग अलगाव की स्थिति बन जाती है। आपका जीवन साथी आपको छोड़कर चला जाता है और ऐसे में स्थिति को संभालना और मुश्किल बन जाता है। ऐसे में परिवार भी इस मुद्दे को अपने स्वाभिमान पर ले बैठता है। अक्सर मैंने सुना है, छोड़कर खुद गई थी आएगी भी खुद, हम लेने नहीं जाएंगे, परिवार की नीची पड़ जाएगी। खैर, सब जगह परिस्थितियां अलग अलग हैं, परंतु ऐसा भी देखने को मिला है कि अलगाव के बाद दोनों ही अपनी अपनी गलती समझ पाते हैं, वह रिश्ता आगे और मजबूत बन जाता है। खैर, मेरा विषय है, यदि आप अपने जीवन साथी को बुलाना चाहते हैं परंतु बात करने की हिम्मत नहीं रखते या पारिवारिक तौर पर नहीं बुला पाते और चाहते हैं कि वह स्वयं आ जाए, तो इसके लिए क्या उपाय करें। मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। एक नए सफ़ेद रुमाल पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपको छोड़कर गया है, वह उसके पिता का नाम लिखें। ये नाम आपको अष्टगंध में गंगा जल मिलाकर उससे लिखना है। अष्टगंध आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाएगी और घर के मध्य में गड्ढा खोदकर लगभग 8 इंच गहरा गड्ढा खोद लें, उसमें यह रुमाल दबा दें। यदि घर में गड्ढा खोदना संभव ना हो तो एक बड़े गमले में मिट्टी डालकर उस मिट्टी में रुमाल को दबा दें और गमले का स्थान निश्चित रखें। जब तक उसका पूजन होगा तब तक वह उसी एक स्थान पर रहे। फिर नियमित रूप से उस स्थान पर रोजाना एक निश्चित समय पर जैतून के तेल का 11 दिन तक दीपक जलाएं। यह उपाय शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से आरंभ करें। इस उपाय के होने के बाद वह व्यक्ति वापस आ जाएगा और या समझौते की स्थिति बन जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।